हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीटी 365, जो कि हमारी अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल सेकंड है यहाँ पे, जिसमें हम लोग मई और जून मंथ की जो करंट अफेयर्स है उसको रिवाइज़ कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये सारी रिवीजन चल रही है हमारी, क्योंकि मई और जून मंथ की कंप्लीट हो चुकी है और उसी की मैं रिवाइज़ करा रही हूँ। तो आज हम लोग देखने वाले इन्वायरमेंट की लेसन। तो इन्वायरमेंट में देख लीजिए काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, तो चलिए मैं एक वीडियो में ही इसे कंप्लीट कराने का कोशिश करती हूँ और सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक छोटी सी न्यूज़ जो कि है विज़न आइस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे अभी भी आपकी ऑन है, तो अगर आप लोग को लास्ट मोमेंट में भी अगर यहाँ पे सॉल्व करनी है तो ज़रूर आप लोग आकर यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट 20 डेज़ में 20 टेस्ट अगर आप लोग सॉल्व करते हो तो आपकी कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होगी, आपकी रिविज़न भी बहुत बेटर तरीके से हो सकती है। तो इसके लिए ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल आईडी है उसमें आप लोग को मेल करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट के साथ, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज और ये टिपिंग पॉइंट्स क्या होता है क्लाइमेट चेंज में। तो टिपिंग पॉइंट्स एक्चुअली वैसे ही एरिया को कहते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का प्रभाव देखने को मिल रहा है, उसकी जो एडवर्स इम्पैक्ट है वो हम लोग देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज का। तो कहा जा रहा है कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में 9 टिपिंग पॉइंट ऐसी कलेक्ट हुई है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आप देखो कि क्लाइमेट चेंज से प्रॉब्लम हुई है। तो आइए देख लेते हैं कि 9 टिपिंग पॉइंट क्या है। और ये वो एरिया है जो हमेशा आप देखो न्यूज़ में था पिछले लास्ट 1 से 1.5 साल में। तो सबसे पहले अमेज़न रेन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि फ्रीक्वेंट ड्रॉट लाइक सिचुएशन देखने को मिल रही है। सेकंड है आर्कटिक सी आइस है, यहाँ पे आपको मैसिव लॉसेस देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है जिसके कारण यहाँ पे जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं। तो ग्लेशियर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स यहाँ पे इशूज़ है, साथ ही साथ आप देखो कि सी लेवल राइज भी हो रही है। थर्ड है अटलांटिक सर्कुलेशन, तो अटलांटिक सर्कुलेशन जो कि आप देखो यहाँ पर काफ़ी स्लो डाउन हो चुका है सिंस 1950 से। फिफ्थ है यहाँ पे कोरल रीफ, कोरल रीफ की अगर हम लोग बात करें तो कि बहुत मास नंबर पे मरते हुए दिख रहे हैं, कोरल ब्लीचिंग इसे कहते हैं जब कोरल रीफ यहाँ पे डेड हो जाते हैं। तो कोरल ब्लीचिंग का जो यहाँ पे प्रोसेस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। सेवन है परमा फ्रॉस्ट, परमा फ्रॉस्ट ऐसे रीजन को कहते हैं जहाँ पे दो साल एटलीस्ट जो है वो एरिया बिल्कुल फ्रोजन रहा हो, पूरा बर्फ़ से ढका हो, लेकिन वहाँ पे भी आज के डेट में आपको देखने को मिलेगा कि मेल्टिंग हो रही है, वो बर्फ़ पिघल रहे और जिसके कारण थॉइंग लाइक कंडीशन हो रही है। सिक्स है यहाँ पे ग्रीनलैंड आइस शीट, जो कि यहाँ पे आप देखो कि ग्रीनलैंड में बहुत बड़े बड़े आइस शीट्स होते हैं, बर्फ़ की यहाँ पे आपको शीट्स देखने को मिलती है, वो भी लॉस हो रही है। साथ ही अगर 8 देखें तो वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट्स हैं, यानी कि यहाँ पे आप देखो कि अंटार्कटिक वाले रीजन में, वेस्ट अंटार्कटिक में जो बहुत बड़ा आइस शीट्स है वो भी आज के डेट में टूट चुका है। और उसके बाद 9 देखें तो विल्किंस बसिन है, जो कि ईस्ट अंटार्कटिक आइस लॉस ये बता रही है। तो आप लोग समझ सकते हो कि वेस्ट अंटार्कटिक हो या फिर ईस्ट अंटार्कटिक हो या फिर हमारा नॉर्थ में आपको ग्रीनलैंड देखने को मिलेगा, तो ये सब जगह जो है आइस बहुत तेज़ी से मेल्ट कर रहे हैं जिसके कारण जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। सो दीज आर द 9 टिपिंग पॉइंट्स। कमिंग टू द नेक्स्ट, फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट स्टैम्प। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये जो स्टैम्प है, एक स्टैम्प आप लोग जानते हो कि ऐसे ठप्पा लगाया जाता है, सो दिस स्टैम्प जो है ये लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। और ये फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट स्टैम्प है जो कि मार्केट मैकेनिज्म को यूज़ करेंगे और बेसिकली एम यहाँ पे है कि कार्बन इमिशंस को कम करना है। अब यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ पे क्रेडिट स्टैम्प है ना, ये कंपनीज़ को परमिट किया जाएगा कि वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही इमिट करें। अगर वो इस अकॉर्डिंग काम करते हैं और जितना उनको परमिट किया गया है उतने ही वो अगर कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करते हैं तो उनको क्रेडिट भी दिया जाएगा। इट मीन्स कि क्रेडिट जो है वो कोलैटरल होगा बैंक क्रेडिट या फिर लोन लेने के लिए। तो ये बहुत नेक्स्ट यहाँ पे है नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फिनेंशियल सिस्टम। तो RBI के द्वारा आप देखो कि सेंट्रल बैंक को यहाँ पे ज्वाइन किया गया है सुपरवाइजर नेटवर्क, जो कि ग्रीनिंग द फिनेंशियल सिस्टम है एज अ मेंबर। ओके, तो इसलिए RBI इसको ज्वाइन की है, तो दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना कि नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फिनेंशियल सिस्टम है क्या। एक्चुअली देखिए, ये ग्रुप ऑफ सेंट्रल बैंक है, जितने भी देशों के सेंट्रल बैंक होते हैं, जैसे हमारे RBI है और सुपरवाइज़र होते हैं, वो एक साथ मिलते हैं और बातें करते हैं और साथ ही जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है किस तरीके से इन्वायरमेंट को डेवलप कर सके, क्लाइमेट रिस्क जो मैनेजमेंट है फिनेंशियल सेक्टर में उसको कैसे मैनेज कर सके, ये सब यहाँ पे बातें होती है। ये सिस्टम एक्चुअली जो पेरिस वन प्लानट समिट दिसंबर 2017 है तब से ये लाया गया है, तो इसको ध्यान रखना है। लीफ कोएलिशन है, लीफ कोएलिशन ये आपका लॉन्च किया गया है कुछ इनिशियल ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे नॉर्वे, UK, US है और कुछ लीडिंग कंपनीज़ भी है जैसे कि अमेज़न और नेस्ले हैं।
तो ये क्या कर रहे हैं ना कि यहाँ पे जो फाइनेंस है, फाइनेंस को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन में। तो लीफ से ही आप याद रख सकते हो, एक्चुअली लीफ का यहाँ पे फुल फॉर्म है लोअरिंग इमिशन बाय एक्सेलरेटिंग फॉरेस्ट फाइनेंस। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उसमें टेम्परेचर बढ़ने के कारण काफ़ी ज़्यादा जंगलों में आग लग रही है, डिफॉरेस्टेशन का भी देख रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ड्रॉट लाइक सिचुएशन हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर टैकल करने के लिए और जो इमीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है उसको कम करने के लिए यहाँ पर लीफ कोलेशन लाया गया है। तो लीफ से याद रखना है कि पत्ता, और पत्ते से याद रखना है कि कुछ, हाँ चलो पेड़ पौधे के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर फॉरेस्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। कुछ इनिशिएटिव मेजर्स है जो कि पॉल्यूशन को कॉम्बैक्ट करने के लिए लाया गया, तो ये देख लीजिए। अभी न्यू न्यू आपको याद रखना है कि NTPC के द्वारा यहाँ पे साइन किया गया है, यूनाइटेड नेशन की जो ग्लोबल कॉम्पैक्ट CEO वाटर मैंडेट है। तो ये मैंडेट एक्चुअली 2007 में ही लाया गया था, जिसमें कि बिजनेस लीडर्स जो है वो यहाँ पे जो वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सैनिटेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसे 2017-30 तक इसे अचीव करना है, तो ये सारा काम यहाँ पे किया जाता है। और ये यूनाइटेड नेशन के पार्टनरशिप के साथ है, कुछ गवर्नमेंट्स होते हैं, कुछ सिविल सोसाइटीज़ होती है और कुछ यहाँ पे अदर्स भी होते हैं, तो ये सब मिलकर ऐसा काम करते हैं, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। साथ ही नेक्स्ट है यहाँ पे MICDA के वाटर इनोवेशन चैलेंज। तो ये एम क्या है, ये है अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन जो कि आपका नीति आयोग के द्वारा ये आपका लाया गया मिशन है, जो कि यहाँ पे इनोवेशन सेंटर डेनमार्क के साथ ये मिलकर काम कर रहे हैं, और जो ग्लोबल फाइनल है नेक्स्ट जनरेशन वाटर एक्शन का उसको कंक्लूड कर रहे हैं, यानी कि वाटर इनोवेशन चैलेंज के फील्ड में यहाँ पे कुछ नया लेकर आए कि किस तरीके से जो वाटर, ग्राउंड वाटर टेबल है उसको यहाँ पे मैनेज करना है। डिजिटल वाटर मैनेजमेंट सॉल्यूशन लाया गया है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा आप देखो कि सिटी वाटर सप्लाई में लीकेज है तो लीकेज वगैरह को रोकना है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट कैसे करनी है, रेन वाटर हार्वेस्ट कैसे करनी है दोनों एरिया में, चाहे वो अर्बन एरिया में हो या रूरल एरिया में हो, सेफ़ और सस्टेन ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बात की गई है। तो ये सारा इनोवेशन चैलेंज जो है इस बार देखने को मिला है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग, कई बार मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, दो कॉन्सेप्ट अब आपको याद रखना है। पहले क्या था कि नेशनल बायोफ्यूल जो पॉलिसी आया था 2018 में, इसके तहत ये कहा गया था कि 20% जो ब्लेंडिंग है इथेनॉल का वो पेट्रोल में की जाएगी, और 5% जो ब्लेंडिंग है इथेनॉल का सॉरी वो बायोडीजल का डीजल में किया जाएगा, और ये टारगेट रखा जा गया था 2030 तक, सेम टारगेट जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का है। बट अभी जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है और उनका कहना है कि नहीं 2030 तक नहीं, 2025 तक क्या करेंगे, तो जो पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है 20% का, उस चीज़ का टारगेट यहाँ पर एडवांस कर दिया गया है। साथ ही जो बायोडीजल का डीजल में करना है वो तो 5% आपका 2030 तक है, बट अभी यहाँ पे पेट्रोल में जो इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है 20% का, वो यहाँ पे आपका 2025 तक हो गया है। तो इसलिए ये दोनों याद रखना है, अगर अकॉर्डिंग टू द दिस पॉलिसी पूछा जाए तो यहाँ पे आपका टारगेट 2030 है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या डिसीजन है उसके अकॉर्डिंग 2025 हो जाएगा, ओके। और इसी को हम लोग E20 रूल्स भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। E20 यहाँ पे आपका E20 रखा गया है, जिससे कि यहाँ पे 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है। उसके बाद है इथेनॉल बेस्ड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, ये FFV जो व्हीकल है ये एक मॉडिफाइड वर्जन ऑफ व्हीकल होगा, जो कि दोनों में गैसोलीन में भी और जो डोप्ड पेट्रोल होते हैं ना इन दोनों के साथ यहाँ पे आपका रन कर सकता है, और डिफरेंट लेवल ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ। तो ये करेंटली आप देखो कि काफ़ी देशों में यूज़ किया जाता है, इसमें से वन ऑफ द सक्सेस यहाँ पे हुआ है ये है ब्राज़ील, जिसमें लोगों को ऑप्शन दिया गया है कि वो फ्यूल को अपना स्विच कर सकते हैं गैसोलीन और इथेनॉल में। तो गवर्नमेंट भी प्लान कर रही है कि क्यों ना इस तरीके का फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स जो है वो हमारे देश में भी आए अक्टूबर तक। तो इस चीज़ को लाने के लिए यहाँ पे मैन्युफैक्चर और जो फ्लेक्स इंजन है व्हीकल में, इस चीज़ को यूज़ करने के लिए और इसकी मैन्युफैक्चर को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव्स दिया जा रहा है, जिससे कि जल्दी से जल्दी इस टेक्नोलॉजी को हम लोग भी अपने देश में लेकर आ सके। नेक्स्ट आते हैं अब बायोडाइवर्सिटी के फील्ड में देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपका एक दो क्वेश्चन प्रीलिम्स में ज़रूर रहता है। अभी महशीर काफ़ी न्यूज़ में है, और महशीर से लास्ट ईयर भी आप देखो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बने हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्लू फाइंड महशीर जो है, जो कि इंटरनेशनल IUCN के रेड लिस्ट में आप देखो तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो चुके हैं। पहले ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड था, लेकिन अब इसको लिस्ट कंसर्न के स्टेटस में लाया गया है। तो दो तीन स्पेसीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एक वैसे स्पेसीज़ जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आ चुके, और एक वैसे स्पेसीज़ जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड से आपके जा चुके हैं। तो इसलिए ये महशीर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में था इसलिए यहाँ पे UPSC ने क्वेश्चन पूछा था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है, तो इट मे बी पॉसिबल कि फिर से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। महशीर के बारे में कुछ यहाँ पे बेसिक देखिए, माही इट मीन्स कि फ़िश है, और शीर मीन्स टाइगर होता है, फिश टाइगर, ये कुछ ऐसी है, आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिया गया है।
इनको हम लोग टाइगर अमंग फिश कहते हैं, यानी कि मछलियों का ये टाइगर है, और ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। जहाँ पे भी आपको महशीर देखने को मिलेगा उस जगह आप समझ सकते हो कि वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। 47 सब स्पीसीज़ ऑफ महशीर है, जिसमें कि इंडिया में 15 ये पाए जाते हैं और दूसरे दूसरे साउथ एशिया के कंट्रीज़ में बाकी पाए जाते हैं। महशीर जो है वो प्रिफर करते हैं क्लीन, फास्ट फ्लोइंग और वेल ऑक्सीजनेटेड वाटर, यानी कि बढ़िया से ऑक्सीजन जो है वो मिक्सअप हो और फास्ट फ्लोइंग वाटर हो और एकदम क्लीन वाटर हो। ये ओमनी वॉर्स है, ठीक है। तीन तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। हर्बी वॉर्स जो कि सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, ये ओमनी वॉर्स है, इट मीन्स कि ये आपका जो है नॉन वेज भी खाते हैं। थ्रेट आज के डेट में इनको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो ऑक्सीजन लेवल है, डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल है, काफ़ी सेंसिटिव हो रहा है। वाटर टेम्परेचर और सडन क्लाइमेट चेंजेस देखने को मिल रही है। ओशन में पोल्यूशन है, हैबिटेट लॉस हो रहा है इनका, ओवर फिशिंग हो रही है, काफ़ी डैम्स की कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत देखें तो यहाँ पे आप देखो कि इस तरीके के फिश के लिए कोई भी ये अटेंशन ड्रॉ नहीं करते, और वाइल्ड एनिमल के डेफिनेशन में, तो आप लोग जानते हो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में फ़िश को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया, तो इसलिए भी ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे बहुत तरीके के आपको मछली देखने को मिलेंगे, बट 14 टाइप्स जो हमारे देश में पाए जाते हैं, बट आपको सारे 14 नहीं पढ़ने हैं, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोगों को स्टडी करनी है। तो सबसे पहले गोल्डन मछली देखते हैं। तो गोल्डन मछली हमारा हिमालय रीजन में पाया जाता है, और इसके IUCN स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड। फिर है ब्लू फिन डेकन मछीर, जो कि यहाँ पे डेकन प्लेटू में और साउथ इंडिया में पाया जाता है। फिर है रेड फाइंड मछीर, जो कि आपका सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है। फिर है चॉकलेट मछीर, चॉकलेट मछीर आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पाया जाता है। एंड ऑरेंज फिन या फिर हमबैक मछीर, जो कि आपका कावेरी रीजन में है, कावेरी रिवर और इसके ट्रिब्यूटरीज में, और इसकी भी IUCN जो रेड लिस्ट है वो यहाँ पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो हमबैक जो मछीर है इसके बारे में ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो क्वेश्चन इससे भी बन सकता है। अब पूरे भारत में आप लोग देखो कि नॉर्थ में क्या है तो गोल्डन है, साउथ में क्या है तो ब्लूफिन है यानी कि डेकन है, सेंट्रल में क्या है तो रेड है यहाँ पे, ठीक है, रेड फाइन मछीर है, और अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे चॉकलेट मछीर है, और कावेरी की बात करें तो यहाँ पे आपका ऑरेंज फाइंड या फिर हमबैक मछीर है। प्रोजेक्ट मछीर चलाई जा रही है, जैसे कि प्रोजेक्ट गोदावन आप देखते हो, तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ को सेव करने के लिए, जैसे कि आपका टाइगर सेव करने के लिए प्रोजेक्ट है, लेपर्ड सेव करने के लिए प्रोजेक्ट है, तो इस तरीके से यहाँ पे मछीर को सेव करने के लिए प्रोजेक्ट है। इसको 1971 में स्टार्ट किया गया था, और जो एफर्ट्स लाया गया था वो टाटा पावर और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन के साथ मिलकर लाया गया था। 5 लाख मछीर जो है वो आप लोग को देखने को मिलेगा कि लोनावाला में ही है, इट मीन्स कि महाराष्ट्र वाले रीजन में आर्टिफिशियल लेक भी बनाया गया था, जिसमें कि इस तरीके के मछीर को रखा जा सके। ये जो प्रोजेक्ट है ये फाइनली आप देखो कि अच्छा खासा काम कर रहा है 50 ईयर्स से इसमें देने के बाद, तो चलिए अच्छा है कि यहाँ पे मछीर का इतना ज़्यादा ख्याल रखा गया, इसको कंजर्वेशन प्रोटेक्शन इतना ज़्यादा दिया गया, जैसे कि आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड से ये लिस्ट कंसर्न में आ चुका है, तो ये याद रखना है। कुछ और फ्लोरा फौना देख लेते हैं जो कि न्यूज़ में रहते हैं। देखिए इस स्पीसीज़ के नाम जो होते हैं वो बहुत अटपटे होते हैं, बट मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करूँगी कि आप सारे स्पीसीज़ के नाम रट के रखो, बट हाँ ये है। मिलियन ईयर्स अगो ये रहते थे, और ये लार्जेस्ट प्रीडेटर है हमारे इकोसिस्टम में। ऑब्वियस है आपने डायनासोर सीरीज़ देखा होगा, तो वह हमारे अर्थ का जो है सबसे लार्जेस्ट प्रीडेटर कहा जाता है। ये कुछ स्पीसीज़ है जो कि अननोन है, और इनका नाम ये है शुभ नाम, इसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग प्रोनाउंस कर लो, ठीक है। साथ ही अगर हम लोग तेलुगु में देखें तो यहाँ पर भारी जो है ना, भारी मीन्स ह्यूज होता है, ह्यूज टाला मीन्स यहाँ पर हेड होता है, बड़ा हेड, और शुशुस मीन्स जो है इजिप्टियन क्रोकोडाइल हेडेड जो DT होते हैं ना उनको हम लोग कहते हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है होलोक गिबॉन। तो होलोक गिबॉन यहाँ पे क्यों न्यूज़ में है कि इंडिया में आप देखो होलोक गिबॉन कहाँ है, तो वेस्टर्न होलोक गिबॉन आपको देखने को मिलेगा कि वेस्टर्न रीजन में ये पाया जाता है, साथ ही ईस्टर्न जो होलोक गिबॉन है ये आपका नहीं पाया जाता है इंडिया में, तो इसलिए भी ये याद रखना है, काफ़ी ट्रिकी हो गया कि वेस्टर्न जो है होलोक गिबॉन पाया जाता है, ईस्टर्न नहीं पाया जाता। होलोक गिबॉन जो है एक स्मॉल यहाँ पे ऐप्स आपको देखने को मिलेंगे जो बंदर के प्रजाति होते हैं, और सिर्फ ये ओनली ऐप है जो कि इंडिया में प्रेजेंट है, और किस किस जगह पे है तो ये अरुणाचल प्रदेश और आसाम में है, इट मीन्स कि देखिए बहुत ही ट्रिकी है, नाम में है ये वेस्टर्न होलोक गिबॉन, बट ये वेस्टर्न रीजन में नहीं है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट में है,
मैं पहले स्टार्टिंग में इसलिए बोली कि वेस्ट में पाया जाता है क्योंकि अब आप लोग इसको याद रखिएगा। ऐसे कुछ अगर आप लोग मिस्टेक कर जाते हो ना, तो उससे क्या होता है ना कि ये चीज़ें जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो याद आएगा कि अच्छा मैंने ऐसा कहा था, तो ये चीज़ें ऐसी नहीं है। तो वेस्टर्न में नहीं पाए जाते, ये नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं और इसका IUCN रेड लिस्ट इंडेंजर्ड है। ब्लैक बक की बात करते हैं तो उड़ीसा का जो ब्लैक बक है, ये लास्ट 6 ईयर में इसकी पॉपुलेशन डबल हो गई है। आज के डेट में अगर ब्लैक बक की बात करें तो ये जो है सदर्न पार्ट ऑफ स्टेट में पाए जाते हैं। इंडिया में कहाँ कहाँ है तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और कुछ अदर एरिया में भी आपको देखने को मिलेगा। ब्लैक बैक जो है ना वो फास्टेस्ट एनिमल है पूरे वर्ल्ड में। जैसे चीता है, चीता के बाद आपको ब्लैक बक देखने को मिलते हैं जो कि बहुत फास्ट ये रन करते हैं। और ये स्टेट एनिमल है आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब का। तो 3 राज्य ऐसे हैं जिसका ये ब्लैक बक स्टेट एनिमल भी है, तो इसलिए याद रखना है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसकी शेड्यूल 1 में इसको प्रोटेक्शन दी जाती है। एंड इसका IUCN स्टेटस क्या है, तो लिस्ट कंसर्न है। ओके, फिर यहाँ पे देख लेते हैं क्योलेंथ, क्योखैंथ यहाँ पे फिश है। तो ये जो आपका क्योखैंथ जो है वो एक्सट्रीमली रेयर डीप सी स्पीसीज ऑफ फिश है जो कि ये जिंदा पाया गया है इंडियन ओशन में। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नया है, इंडियन ओशन की है, तो ज़रूर इसके बारे में ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सिर्फ 2 तरीके के आपको स्पीसीज देखने को मिलेगा। एक है जो कि कोमोरोस आइलैंड में है, वो आपका अफ्रीका कोस्ट में देखने को मिलेगा, और दूसरा है जो कि इंडोनेशिया के सुलावेसी आइलैंड में पास देखने को मिलेगा। इसके IUCN जो स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए प्रोटेक्टेड एरिया जो भी न्यूज़ में रहे उसे हम लोग देख लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 2020 का अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर निकाल के देखोगे तो नेशनल पार्क से रिलेटेड आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली 3 से 4 क्वेश्चन थे। तो UPSC में प्रीलिम्स में आपका इस एरिया से काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि IFS भी है, इंडियन फॉरेन सर्विस की भी एग्ज़ाम होती है और प्रीलिम्स दोनों का एक ही साथ होता है, इसलिए ये देखा जाता है। ठीक है, चलिए ये आंध्र प्रदेश की एक यहाँ पे बर्ड सेंचुरी जो कि काफ़ी न्यूज़ में थी, अटापाका बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ लोकेटेड है? तो सबसे पहले तो ये आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। कोलेरू लेक है यहाँ पे है, उसके बाद आपका कृष्णा वेस्ट गोदावरी है। और कोलेरू लेक जो कि आप लोग कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़े होंगे, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है हमारे देश का, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। तो इसलिए अटापाका जो आपका बर्ड सेंचुरी है, 3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश में है, सेकेंड यहाँ पर आपका कोलेरू लेक में है जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, और थर्ड है कि कृष्णा वेस्ट गोदावरी में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आसाम में, क्योंकि आसाम का देखिए ऐसे भी बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ की जो 5 नेशनल पार्क है उसके अलावा 2 नेशनल पार्क और ऐड कर दिया गया, तो टोटल 7 हो गए। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स याद कराऊंगी मैं। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क है, असम गवर्नमेंट के द्वारा दिहिंग पटकाई को 7th नेशनल पार्क यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है। और 6th नेशनल पार्क कौन सा था? तो यहाँ पर रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट है जिसको कि 6th नेशनल पार्क यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल पार्क जो डिक्लेयर किया जाता है किसी भी जगह में वो किसके जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, क्या ये स्टेट गवर्नमेंट करते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं? तो देखिए कोई भी कर सकता है, यहाँ पे दोनों के पास अधिकार है, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, ये दोनों मिलके भी, और दोनों में से जो है आप देखो कि ये दोनों यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं नेशनल पार्क। और किस कानून के तहत ये अधिकार इनको दिया गया? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो हर एक पॉइंट को इस तरीके से आपको तोड़ तोड़ के याद करना होगा क्योंकि कोई और इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, ये हो गए, अब और भी बातें देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखो कि ये जो आपका दिहिंग पटकाई है इसमें गोल्डन लंगूर, क्लाउडेड लेबर्ट और साथ ही इंडियन गौर देखने को मिलेगा। 5 अदर जो नेशनल पार्क है वो है काजीरंगा, वन ऑफ द फेमस नेशनल पार्क, मानस, नामेरी, ओरांग और दिब्रू सिखोवा। ठीक है, इसमें से काजीरंगा और जो मानस है वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड है। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि ये दोनों टाइगर रिजर्व्स भी है, और इसी के साथ साथ नामेरी और ओरांग भी टाइगर रिजर्व्स हैं। उसके अलावा असम की बात करें तो असम अब 3rd नंबर पे आ चुका है जिसमें कि हाईएस्ट नेशनल पार्क है। सबसे 1st नंबर पे कौन सी स्टेट है? तो मध्य प्रदेश है जिसमें कि आपको 12 नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। 2nd में आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है जिसमें कि 9 नेशनल पार्क है, और 3rd में आपका असम आ गया है जिसमें कि 7 नेशनल पार्क है। ओके, अब यहाँ पर देख लीजिए मैप में, क्या पता आपको अरेंज करने के लिए आ जाए कि आपका ईस्ट टू वेस्ट या फिर आप लोग जो है ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट जो है ये वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगा, और ईस्ट टू वेस्ट आपको अरेंज करने के लिए कह दिया जाए। तो सबसे आपका ईस्ट वेस्ट में आप देखोगे तो रायमोना है जो कि 6th नेशनल पार्क है, मानस है, एंड देन यहाँ पे ओरांग, नामेरी, एंड देन काजीरंगा, और फिर देहिंग पटकाई और दिब्रू सिखोवा।
तो अगर असम में ये पूछा जाए आपसे कि सबसे वेस्टर्न साइड और सबसे ईस्टर्न साइड में कौन से नेशनल पार्क है, तो सबसे वेस्टर्न साइड में आपका राइमोना है, जो कि अभी अभी रिसेंटली डिक्लेयर हुआ है 6th नेशनल पार्क, और सबसे ईस्ट में आप देखो तो डिब्रू सिखोवा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। ये है RMONKDD है, ठीक है। तो डिब्रू सिखोवा याद रखिएगा, वो सबसे ईस्ट में है, और उसके पहले आपका देहिंग पटकाई है। तो इस तरीके से आप लोग जो है अपना कुछ भी आर मॉन मॉन्क करके मॉन्क डीडी आर मॉन्क डीडी करके याद रखिएगा, तो ये आपका सीरीज़ याद होगा कि किसी भी तरीके से आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक बार आइए और फिर देख लेते हैं यहाँ पे कौन सी है। तो देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है, जो कि 7th नेशनल पार्क है। इससे पहले राइमोना नेशनल पार्क 6 है। इसके अलावा कौन कौन है, तो इसके अलावा आपका जो है यहाँ पे काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग और डिब्रू सिखोवा है। काजीरंगा मानस की बात करें तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है और टाइगर रिजर्व्स भी है। इसी के साथ नामेरी और औरंग भी यहाँ पे टाइगर रिजर्व्स है। और उसके अलावा आप देखो कि यहाँ पे डिक्लेयर जो कर सकते हैं वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों डिक्लेयर करते हैं किसी एरिया को एज ए नेशनल पार्क, वो भी अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे गुजरात। गुजरात में बानी ग्रासलैंड रिजर्व काफ़ी न्यूज़ में है, तो ये गुजरात वाला एरिया है। गुजरात में आप यहाँ पे देखो कि बानी एरिया है, जो कि लैंड लॉक्ड एरिया है। ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ता है, और बानी रीजन जो है ना, ये आपका जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होता है, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, उसके कारण ये आपका इस तरीके का रीजन बना है। यहाँ पे कौन से ट्राइब रहते हैं, तो मलधारी ट्राइब रहते हैं इस एरिया में, तो इसको भी ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, जो कि कितने नंबर की है, तो 12 नेशनल पार्क यहाँ पे। सेकेंड नंबर पर आपका आ जाता है कौन सा, तो वो आ जाता है बताइए अंडमान एंड निकोबार। टोटल कितने नेशनल पार्क है, तो 9, और आसाम में कितने हो गए, 7। ठीक है, तो ये टॉप 3 याद रखनी है। मध्य प्रदेश में यहाँ पे कूनो पलपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये अगेन अपने ही काम से ये काफ़ी फेमस है। क्यों फेमस है, क्योंकि पहली बार ऐसा वर्ल्ड में हुआ है कि लार्ज कार्निवोर जो है उसको रीलोकेट किया गया है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में। और ये जो आपका कूनो पलपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसी का आपको पार्ट देखने को मिलेगा, जो कि सुटेबल लोकेशंस बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा रहने का जगह है, प्रे अबेंडेंस है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि 8 चीता जो है वो साउथ अफ्रीका से यहाँ पे कूनो नेशनल पार्क में लाया गया है मध्य प्रदेश में। तो ये आपका चीता को लाया गया है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, इट मीन्स कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से इंडियन कॉन्टिनेंट में इसको रीलोकेट किया गया है, क्योंकि जैसा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इनको रहने का जगह सब कुछ मिल रहा था, वही सारी चीज़ें हम लोग अपने देश में भी प्रोवाइड कर पा रहे हैं। अगर हम लोग चीता के बारे में बात करें, तो चीता की जो दो तरीके की होती है, एक अफ्रीकन चीता, एशियाटिक चीता। तो हम लोग अफ्रीकन चीता को अपना उठाकर कहाँ लाया है, एशिया में, तो ये एशियाटिक चीता। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अफ्रीकन चीता जो है वो वल्नरेबल है, यानी कि इनकी जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो अभी कम होने के कगार में आने वाला है, अभी ठीक है। लेकिन एशियाटिक चीता आप देखो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इट मीन्स कि मुश्किल से 250 ही बचे होंगे, या फिर लेस देन 250 यहाँ पे आपके एशियाटिक चीता का होगा। एसेटिक चीता की बात करूँ तो ये सिर्फ ईरान में पाया जाता है, ये भी आप लोग को याद रखना है, इंडिया में कोई एसेटिक चीता नहीं है। वहीं अफ्रीकन चीता की बात करूँ तो ये अफ्रीकन में पाए जाते हैं। चीता जो है इनके पास, ये आप लोग देखो कि ये ज़्यादा पानी नहीं पीते, और बिना पानी के ये लंबे समय तक रहते हैं। और चीता जो है वो फॉरेस्ट, ड्राई फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डेजर्ट एरिया, ये सारे एरिया में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं उड़ीसा की वन ऑफ द फेमस प्रोटेक्टेड एरिया, विच इज़ भीतरकनिका प्रोटेक्टेड एरिया। तो भीतरकनिका क्यों इस बार न्यूज़ में है, क्योंकि साइक्लोन आता है, तो साइक्लोन में सबसे ज़्यादा तबाही जो है वो उड़ीसा वाले राज्य में होता है। उड़ीसा में भी आप देखो कि इस बार साइक्लोन यास आया है, जिसमें कि भीतरकनिका में 100 ऑफ ट्रीज़ जो है वो टूट के गिर चुके हैं। भीतरकनिका नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपका इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है। सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ है, ये आपको कमेंट करके बतानी है। सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट आप देखोगे भीतरकनिका में। मैंग्रोव्स जो है वो रीजन को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे आप वेस्ट बंगाल में देखोगे, मैं हिंट दे दी, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि मैंग्रोव्स रहने से जो साइक्लोन से जो इरोजन होती है उससे प्रोटेक्ट होता है, साइक्लोन से जो पानी अंदर आता है उससे प्रोटेक्ट करता है, हवा को यहाँ पे रोकने का कोशिश करता है। तो बहुत तरीके से आप देखोगे कि मैंग्रोव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो एरिया है भीतरकनिका प्रोटेक्टेड एरिया, ये नेशनल पार्क डेजिग्नेट किया गया था 1998 में, और ऑल्सो ये रामसर साइट भी है। तो दोनों तरीके से ये आपको याद रखना है, एक तो ये हो गया आपका नेशनल पार्क और दूसरा है रामसर साइट। गहीरमथा बीच आप देखो यहाँ पे है भीतरकनिका में, गहीरमथा बीच। इस बीच में आप देखो कि हमारे देश में ये बीच फेमस है सिर्फ ऑलिव रिडले सी टर्टल्स के लिए, क्योंकि इनका एक लार्जेस्ट कॉलोनी है, और एक टाइम में जो है ये मास नेस्टिंग यहाँ पे करते, मींस जो यहाँ पे बेबी बॉर्न होता है इन लोग का, वो इसी एरिया में होता है। तो इसलिए ये रीजन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान का यहाँ पे है रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो
तो राजस्थान इज़ ऑल सेट टू गेट्स इट्स फोर टाइगर रिजर्व्स, यानी कि चौथा इनको टाइगर रिजर्व्स मिल चुका है, और ये है रामगढ़ विस्तारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और साथ ही साथ आप देखो कि अब ये बताइए कि किसी भी एरिया को, प्रोटेक्टेड एरिया को टाइगर रिजर्व्स जो डिक्लेयर किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? क्या आप फिर से बोलोगे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर करती है? अब बिग नो, ये आपका एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है जिनका ये अधिकार है कि वो देखते हैं कि हाँ इस एरिया में टाइगर, नंबर ऑफ़ टाइगर्स की पॉपुलेशन कितनी है, उनका हैबिटाट कैसा है, कुछ भी बहुत सारे इनकी क्राइटेरियाज़ होती है जिनको ये देखते हैं और फिर उसके बाद डिक्लेयर करते हैं। अदर टाइगर रिजर्व्स आप राजस्थान में देख लो, क्योंकि ये चौथा है, तो इसके अलावा जो है रणथंभौर है, सरिस्का है और मुंद्रा है, मुकुंद्रा है, तो ये तीन हो गया। और चौथा कौन सा है? तो यहाँ पर आपका रामगढ़ विस्तारी, ठीक है। सेंचुरी जो है इसमें आप देखो क्या क्या है, तो लेपर्ड है, चीतल है, वाइल्ड बोर्ड है, स्मॉल कैट्स है, काराकल्स है, चिंकारास है, नीलगाई है, तो ये सारे कुछ ऐसे यहाँ पे आपके जो है आज की डेट में स्पीसीज देखने को मिलेंगे। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, तमिलनाडु में अनमलाई टाइगर रिजर्व्स है, तो ये आप लोग देखो कि तमिलनाडु के पोर्शन से जो है इसको काट के निकाला गया है। ये पालक्कड़ जो गैप है ना सदर्न वेस्टर्न घाट में, उसी के साउथ में ये देखने को मिलेगा टाइगर रिजर्व। और ये जो रिजर्व्स है ये वेस्टर्न घाट माउंटेन चेन में ही आता है। वेस्टर्न घाट माउंटेन में आप देखोगे कि तमिलनाडु भी वेस्टर्न घाट में आता है, तो इसी में ये काउंट होता है। साथ ही अनामलाई में आप देखो कि 6 डिफरेंट इंडिजिनियस पीपल है, ये 6 तरीके के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ये रही टाइगर रिजर्व्स नेशनल पार्क की बात, जितनी भी प्रोटेक्टेड एरिया न्यूज़ में थी। अब देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड वाइड जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है उसको बहुत सुंदर से ये मैप के तरीके से बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते सबसे पहले आइसलैंड के साथ। तो आइसलैंड की जो ग्लेशियर है ये 7% तक अपनी सरफेस को खो चुकी है, इट मीन्स कि जितना भी ग्लेशियर था उसका 7% यहाँ पे लॉस्ट हो चुका है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रहा है। और ये कहा गया है कि पूरी तरीके से ये जो आपका ग्लेशियर है ये 2022 तक, ये 2200 तक पूरी तरीके से ये कहा गया कि इंटायरली डिसअपेयर हो जाएगा अगर इसी तरीके से ग्लोबल टेम्परेचर होगी और इसी तरीके से इमिशन बढ़ते रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कितनी अलार्मिंग सिचुएशन आ चुकी है। सेकंड देखते हैं लेबनान में, तो लेबनान आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, वेस्ट एशिया की कंट्री है और इसकी जो बॉर्डर है वो मेडिटेरियन सी से टच होती है। तो टोन्स ऑफ यहाँ पर डेड फिश देखने को मिली है, और ये आपका क्वेरन लेक है, लेबनान की लॉन्गेस्ट रिवर है लितानी, और यहाँ पे आपको क्यूरन लेक देखने को मिलेगी जो कि एकदम बहुत सारी मछलियाँ यहाँ पे मरी हुई पाई गई है। तो ये भी एक आपका वन ऑफ द रीज़न है क्लाइमेट चेंज का। साथ ही अगर हम लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखें तो यहाँ पे है सुडानो सहेलियन जोन, तो SSZ है ये वाला जोन जो है, ये आपका पूरा कहा जाता है सुडानो सहेलियन जोन, तो ये मोस्ट वल्नरेबल है। इट मीन्स कि इस जगह आपको देखने को मिलेगा कि क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, फूड प्रोडक्शंस भी जो है ना वो यहाँ पे अंडर थ्रेट कहा गया है। उसके बाद आते हैं आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, तो यहाँ पे नायरा कॉन्गो है जो कि लार्जेस्ट यहाँ पे स्टैटो वोल्केनो है, वो भी लेक कीवू के बगल में। ईस्टर्न बॉर्डर आपको देखने को मिलेगा इस कॉन्गो का जो कि रवांडा के साथ लगता है, वो भी विरुंगा नेशनल पार्क में। तो इंटरनेशनल कंट्रीज़ के नेशनल पार्क नहीं पूछे जाते, बट हाँ कहाँ पे क्या हादसा हुआ है, घटना हुई है, ये लार्जेस्ट स्टैटो वोल्केनो है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखने को मिला। अंटार्कटिक की बात करें तो ये है वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो आइसबर्ग है A76, ये आपका टूट गया है। अब ये वेडल सी जो है वेस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा, ये जो वेडल सी है इसमें फ्लोट कर रहा है, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन अगेन है। अब यहाँ पर आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में नॉर्थ ईस्ट रीजन में यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ है, यूनेस्को के द्वारा ये रिकमेंड किया गया है कि ये रीफ जो है वर्ल्ड की हेरिटेज स्टेटस है, अब ये डाउनग्रेडेड हो रही है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोरल डिक्लाइन हो रहा है, इट मीन्स कि कोरल ब्लीचिंग जैसी जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ रही है। उसके बाद आते हैं टर्की आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो सी ऑफ मरमरा है जिसमें कि लार्जेस्ट आउटब्रेक देखने को मिला सी स्नॉट का, जो कि नेचुरली अकरिंग यहाँ पे ग्रीन स्लजेस होती है, और जब यहाँ पे अल्गी जो है ना पूरी तरीके से न्यूट्रिएंट से लोडेड होती है, ओवरलोडेड होती है, तब ये आपका सी स्नॉट वाला सिचुएशन अराइज होता है। तो सबसे पहले सी ऑफ मरमरा कहाँ है, तो ये टर्की में है, सी स्नॉट है जिसमें कि आपका अल्गी जो है वो ओवरलोडेड हो जाता है न्यूट्रिएंट से, और ये जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इट मीन्स कि एक्वेटिक जितनी भी वाइल्ड लाइफ है ना, एक्वेटिक स्पीसीज है, तो उनके लिए एक हेल्दी कंडीशंस, हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट होता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा ओवरऑल जो जितने भी यहाँ पे सिचुएशन कंडीशन जो पूरे वर्ल्ड में रही है उसको हमने एक मैप में सिमट लिया।
अब हम लोग अपने देश में देखते हैं कि इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ, सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में जो है प्रोटेस्ट चल रही है जांगी तूफान पोवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए। और ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका रिवर सतलज में देखने को मिलेगा जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। तो याद रखना है, ये सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि जांगी टोपन जो पोवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ है। ओके, तो एक एक पॉइंट याद रखनी है। फिर आते हैं यहाँ पे चंबल रिवर के बारे में देखते हैं, ये पहले भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। लॉकडाउन को देखते हुए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो गैंगेटिक डॉल्फिन और जो घड़ियाल की पॉपुलेशन है चंबल रिवर में वो यहाँ पे आपका इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो चंबल में गैंगेटिक डॉल्फिन भी है और घड़ियाल भी है, तो इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। देन यहाँ पे हम लोग आते हैं इंदिरा गांधी कैनल का, तो इंदिरा गांधी कैनल क्योंकि इसको रिपेयर किया जा रहा है, और बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसको रिपेयर किया जा रहा है। और हाँ, एक नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलेगा रामगढ़ विषधारी, तो ये आप लोग देख सकते हो, ये राजस्थान की है। उसके बाद असम में आते हैं, असम में भी आपको पता है दो नए यहाँ पे आपका जो है नेशनल पार्क ऐड किया गया, तो दिहिंग पटकाई जो है वो यहाँ पे आपका सेवन्थ नेशनल पार्क है, एंड देन यहाँ पे रायमोना जो है वो सेकेंड सिक्स्थ यहाँ पे नेशनल पार्क है। ठीक है, फिर उसके बाद गुजरात में आप देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कम्प्लेक्स को यहाँ पे डेवलप करने के लिए जो कि लोथल में है। और ये बानी ग्रासलैंड रिजर्व भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि अभी हम लोग डिस्कस किए। एंड मध्य प्रदेश में डिस्कस किए जो कि आपका अफ्रीका से जो चीता है उसको रीलोकेट किया गया है मध्य प्रदेश के कूनू पलपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, तो आपको दो डिफरेंस बताना है जो कि अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता के बीच में। और फिर से याद करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि एशियाटिक चीता कहाँ सिर्फ पाए जाते हैं, सिर्फ एक देश है जहाँ पर एशियाटिक चीता देखने को मिलेगा। उड़ीसा की बात करूँ तो भितरकनिका प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ पे ऑलिव रिडली टर्टल्स है, इसकी नेस्ट मास्टिंग आपको देखने को मिलेगी, मास नेस्टिंग है। ओके कभी कभी ये उल्टा ही रहता है, मास नेस्टिंग एरिया है। और फिर आते हैं उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल में, तो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल जहाँ पे ये प्लान किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैंग्रोव्स को ये प्लांट करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है ना जो कि साइक्लोन से सबसे ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है, तो मैंग्रोव्स ही इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, जिसको कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैंग्रोव्स को प्लांट किया जाएगा तो जो यहाँ पे डिजास्टर होते हैं पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी की जो यहाँ पे लॉस होती है वो काफ़ी हद तक कम हो पाएगा। आंध्र प्रदेश का हमने अटापाका बर्ड सेंचुरी देखा, आपको बताना है यहाँ पे कौन सी लेक है, और वो लेक जो है सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही देखने को मिलता है या फिर कोई और भी यहाँ पे राज्यों के साथ वो बॉर्डर शेयर करती है। कर्नाटक की बात करें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक आरोप लगाया गया है कि जो मेकेदातु डैम है उसके कंस्ट्रक्शन से काफ़ी वॉयलेशंस हो रहे हैं, तो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमेटी बनाई गई है। ठीक है, तो ये मेकेदातु डैम याद रखना है, ये कर्नाटक का है। तमिलनाडु का हमने अनामलाई टाइगर रिजर्व देख ही लिया। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है वर्ल्ड का और जो इंडिया का है वो उसमें हम लोग कवर कर लिए कि इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या यहाँ पे आपका न्यूज़ में रहा है। अब आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टोटल मिलाकर आपके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, 2030 तक हमें यहाँ पे टारगेट है कि अचीव करनी है। उसी को देखते हुए यहाँ पे ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट है, आप हमेशा जीडीपी पढ़ते हो यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कहने का मतलब होता है कि एक देश में एक फाइनेंशियल ईयर के तहत कितनी टोटल प्रोडक्शन होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता है, उस चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। और उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है जिसके द्वारा ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट जैसी भी रिपोर्ट यहाँ पे लाई गई है। जैसे आप जीडीपी में देख सकते हो कि टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है वो काउंट होता है, लेकिन ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें हमारे नेचुरल चीज़ों के बारे में बात होती है, हमारे यहाँ पे एयर वाटर फॉरेस्ट सॉइल ये सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है कि इसकी क्या क्वालिटी है क्या क्वांटिटी है। तो इन दोनों को अगर हम लोग मिला दिया जाए यानी कि जीडीपी टोटल प्रोडक्शन कितने हो रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, साथ ही हमारा इन्वायरमेंट कितना हेल्दी हो रहा है और हम लोग पॉल्यूशन कितना कम कर पा रहे, उन दोनों को मिला के यहाँ पे रिपोर्ट लाने की बात की गई है। और उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है, ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट यानी कि यहाँ पे टोटल वैल्यू जो फाइनल इकोसिस्टम सर्विस का है जो ह्यूमन के वेलबींग के लिए किसी रीजन में एक साल के लिए प्रोवाइड किया जाता है उसको हम लोग ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट कहेंगे। और ये बायोफिजिकल वैल्यू और मॉनेटरी वैल्यू दोनों तरीके से अगर ये इस टर्म में आपका मेजर्ड हो रहा है तो उसको हम लोग यहाँ पे ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट कहेंगे।
ये ओवरऑल हेल्थ बता दी कि इन्वायरमेंट का कैसा हेल्थ है, ठीक है। और इन्वायरमेंट का हेल्थ हमें किस चीज़ से पता चलता है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो हम लोग हवा ले रहे हैं, हम लोग ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट में एयर कितना स्वच्छ है, फॉरेस्ट कितनी कवर है, कितना ज़्यादा जंगल एरिया है कि नहीं है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर फॉरेस्ट होंगे तो हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, एटमोसफेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है वो कम हो पाएगा। सॉइल इरोजन कैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एयर क्वालिटी कैसी है, डिजॉल्व ऑक्सीजन रिवर वाटर में कैसा है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग इसको मेजर करते हैं तो फिर हमें यहाँ पे ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट की जो है पूरी तरीके से एक मेज़रमेंट मिलती है, ठीक है। अगर हम लोग ग्लोबल स्टैंडर्ड देखें तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक अकाउंट है जिसे सिया कहा गया है। तो ये एक गाइड बुक है जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा डेवलप किया गया है कि एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना है, वो भी यहाँ पे नेचुरल कैपिटल और इन्वायरमेंटल क्वालिटी को लेकर, कि कैसे हम लोग नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम को ला सकें। चाइना के द्वारा आप देखो कि स्टडी की जा रही है और कितने कितने टाइप के जो इन्वायरमेंटल डैमेज है उसको भी देखा जा रहा है। साथ ही हैप्पी प्लानट इंडेक्स ये लाया गया है जो कि ब्रिटिश न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन है उनके द्वारा देखा जा रहा है। साथ ही भूटान का ये क्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है जो कि इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन को एक आप देखो कि वन ऑफ द फोर पॉलिसी ऑब्जेक्टिव के तहत रखा गया है। तो ये सारे आप लोग देख सकते हो कि अदर अदर कंट्रीज़ और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जिससे कि हमारे देश में जो है इस तरीके का इन्वायरमेंट में भी फोकस कर सके। नेक्स्ट है इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है जिनके द्वारा इकोसिस्टम रीस्टोरेशन लोगों के लिए, नेचर के लिए और क्लाइमेट के लिए इसको पब्लिश किया गया है। अगर हम लोग बात करें तो ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश किया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर। और साथ ही साथ अगर हम लोग इकोसिस्टम रीस्टोरेशन की बात करें, इट मीन्स कि इकोसिस्टम का रिकवरी करना जो कि यहाँ पे बर्बाद हो चुका है, जो कि बर्बाद होने के कगार में है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। साथ ही आते हैं वर्चुअल वाटर एनालिसिस के बारे में। तो वर्चुअल वाटर कहने का क्या मतलब है, ऐसा पानी जो कि हम लोग को दिख नहीं रहा है। प्रोडक्शन जैसे कि आप देखते हो कि राइस की खेती होती है तो उसमें पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा टेक्निक लेकर आए जिसमें कि हम लोग पानी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ ना कर पाए। तो वाटर जो इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन में और उस सामान का जो यहाँ पर ट्रेड हो रहा है या फिर नॉन फूड कॉमोडिटीज़ भी और सर्विसेज़ भी जो यहाँ पर ट्रेड हो रही है उसको हम लोग वर्चुअल वाटर कहते हैं। एक्चुअली ये इनविजिबल वाटर है, जैसे कि आप लोग देखते हो कि हम लोग जितने भी अनाज खाते हैं वो पानी के बिना नहीं उगा सकते, लेकिन हम लोग उसमें पानी नहीं देखते हैं कि हाँ इरिगेशन के टाइम में हमारी कितनी वाटर सप्लाई होती है, उसमें कितना पानी बर्बाद होता है, ठीक है। तो इसको कहा गया है कि ये वर्चुअल वाटर है। एग्जाम्पल के तौर में बताया जा रहा है कि ऑन एन एवरेज 3000 लीटर ऑफ वाटर जो है वो ज़रूरत होता है 1 kg ऑफ राइस को यहाँ पर प्रोड्यूस करने में। यहाँ पे यूज्ड कुकिंग ऑयल की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं रॉ मटेरियल का, जिससे कि हम लोग बायोडीजल को प्रोड्यूस कर पाते हैं। साथ ही इसको सोप बनाने में, इट मीन्स कि जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है इसका आप लोग अदर भी एप्लीकेशन देख लो, सोप बनाने में, कॉस्मेटिक को यहाँ पे बनाने में, कुकिंग ऑयल, एनिमल फीड, ये सारी जगह बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेनिफिट्स क्या होते हैं बायोडीजल का, जो कि यहाँ पर आपका यूज्ड कुकिंग ऑयल से बनते हैं, तो एक्चुअली यहाँ पर इमिशन ज़्यादा नहीं होता है,
फ्राइंग करते समय, फ्राई जब कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं तो यहाँ पे ऑयल की जो रियल प्रॉपर्टीज़ होती है ना वो थोड़ी चेंज हो जाती है। तो टोटल पोलर कंपाउंड जो है वो यहाँ पे फॉर्म्ड होते रहता है जब हम लोग रिपीटेडली 2-3 बार इस तेल में फ्राई कर लेते हैं। तो जो इस कंपाउंड की टॉक्सिसिटी होती है, इट मीन्स कि जो इसकी आप देख सकते हो कि टॉक्सिसिटी, इट मीन्स कि जो इसका हार्मफुल इफेक्ट होता है वो यहाँ पे आपका कम हो जाता है। बहुत सारे डिजीजेस जो एसोसिएटेड होते हैं, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, अल्जाइमर डिजीज़ है, लीवर डिजीज़ है, तो ये सारी जो है ना आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा कि इस ऑयल में होता है। तो बार बार फ्राई करने से ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो बायोडीजल में क्या होता है कि बायोडीजल जो इससे बनता है ना उसकी जो इमिशन है वो यहाँ पे कट डाउन हो जाता है। ठीक है, इनिशिएटिव क्या क्या लिया जा रहा है तो इतना डिटेल में तो आपको नहीं यहाँ पर जाना है। आप लोग एक यहाँ पर रुको देख सकते हैं, रुको है रीपर्चेज यूज कुकिंग ऑयल। तो इशू क्या है रुको के साथ, एट प्रेजेंट अगर हम लोग देखें तो कोई भी यहाँ पे चेन ऑफ कलेक्शन नहीं है। इट मीन्स कि ऐसा तो कहा गया है कि होटल्स, हाउस होल्ड, इवन बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट होते हैं उसमें आपको यूज कुकिंग ऑयल देखने को मिलेगा, बट कोई तो हो जो इसको कलेक्ट कर सके, तो ऐसा कोई भी अभी सिस्टम नहीं बना है जिससे कि इस चीज़ को कलेक्शन किया जाए। साथ ही जो प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ है, जैसे कि फ्री फैटी एसिड है, वाटर्स है होते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम का सोर्स बना हुआ है। तो देखते हैं कि ये कब तक ठीक हो सकता है। और ये जो रुको प्रोजेक्ट है ये 2019 में आया है। इस प्रोजेक्ट का मेनली एम ये है ना कि जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है ना उसको यहाँ पे आपका परचेज़ करना है। जैसे होटल में हो गए, कैटरर है, स्नैक मेकर्स है, इवन अगर घर वगैरह वगैरह भी है ना तो वहाँ से परचेज़ करना है और फिर इससे बायोडीजल बनानी है। बट अभी तक इसमें काम नहीं हुआ, तो ये आपसे पूछा जा सकता है ना। रुको अगर कह दिया गया रुको प्रोजेक्ट इज़ एसोसिएटेड विथ विच ऑफ़ द फॉलोइंग, तो मे बी आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो अगर आपको इसकी फुल फॉर्म नहीं पता है। कमिंग टू द नेक्स्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में अगर हम लोग बात करें तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम, LSC के बारे में समझिए। एक्चुअली ये यूनिक क्विक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जिसमें कि जो पोटेंशियल एरिया है ऑर्गेनिक फार्मिंग की उसको देखा जाता है। इट मीन्स कि कितने ज़्यादा एरिया ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आ चुका है, तो उसके लिए यहाँ पर आपका यूनिक क्विक और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लाया गया। एक्चुअली ये जो लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम है इसको लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा, और ये भी एक फ्लैगशिप स्कीम है जो कि है परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करते हुए देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करें और इससे ज़्यादा एरिया कवर हो उसके लिए यहाँ पर लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन दी जाएगी। अगर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बहुत अच्छी डेफिनेशन दी गई है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक यूनिक प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें कि जो एग्रो इको सिस्टम हेल्थ है, जिसमें कि आपका बायोडाइवर्सिटी आती है, बायोलॉजिकल साइकिल है, सॉइल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है, तो इन सबको मिला के यहाँ पर प्रमोट किया जाता है, इसको इन्हेंस किया जाता है। तो इसलिए ये याद रखना है कि ऑर्गेनिक, जैसे आप लोग कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खाते हो या ऑर्गेनिक आप लोग कोई भी क्रॉप वगैरह फसल वगैरह का इस्तेमाल करते हो तो उसमें क्या होता है ना कि केमिकल फ्री होते हैं, पेस्टिसाइड्स फ्री होते हैं, वो वाटर रेसिस्टेंट होते हैं, उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और वो एक्सट्रीमली हार्श जो क्लाइमेट है उसको भी वो सह सकते हैं। सो दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। की कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं बताऊँ यहाँ पर क्या है तो ऑर्गेनिक मैटर लेवल जो है उसको ये मेंटेन करता है, सॉइल जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है उसको इंक्रीज करता है, साथ ही इनसॉल्युबल जो न्यूट्रिएंट सोर्सेज है उसको भी यूज़ किया जाता है। इफेक्टिव रिसाइकलिंग है ऑर्गेनिक मटेरियल का, जैसे क्रॉप रेसिड्यू हो गया, लाइफ स्टॉक मैन्योर्स हो गए, तो इन सबको एक बेटर तरीके से यहाँ पर आप देखो कि रिसाइकिल भी किया जाता है। वीड्स है, डिजीजेज़ है एंड पेस्ट कंट्रोल्स है, तो इस पर भी ध्यान दी जाती है। एक्सटेंसिव मैनेजमेंट की जाती है लाइफ स्टॉक की और एनिमल वेलफेयर की, साथ ही केयरफुल अटेंशन दिया जाता है कि फार्मिंग सिस्टम का किस तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है हमारे वाटर इन्वायरमेंट में, क्योंकि आपको पता है कि एग्रीकल्चर से मीथेन इमिशन सबसे ज़्यादा होती है और भी गैसेस की इमिशंस होती है, तो उसके कारण हमारी इन्वायरमेंट डैमेज हो रही है। इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है तो हमारी हेल्थ डैमेज हो रही है, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है विद द हेल्प ऑफ फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, अब यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए सबसे बड़ी जो यहाँ पे स्कीम है वो है परंपरागत कृषि विकास योजना है। ये हमारे नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का पार्ट है, ये ध्यान रखना है। सेकंड है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, इट मीन्स कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी ये इस चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, और ये आप देखो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है,
क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रीजन में आप लोग देखो कि स्टेट वाले उतने, स्टेट गवर्नमेंट जो है वैसे भी अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होता है तो वो ओनली 10% ही फंड यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, रेस्ट ऑफ द 90% फंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देते हैं। तो यहाँ पे अधिकतर आपको जो प्रोग्राम देखने को मिलेगा वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है और नॉर्थ ईस्ट की कोई अगर स्कीम है और आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, तो मैक्सिमम 90% जो आपको स्कीम देखने को मिलेगा वो यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम होते हैं। इट मीन्स कि 100% जो फंड इस स्कीम के लिए दिया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एम है कि नॉर्थ ईस्ट में ये ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की जो यहाँ पे डेवलपमेंट हो, वैल्यू चेन यहाँ पे निकल कर आए। फिर सॉइल हेल्थ कार्ड आपको देखने को मिलेगा, इसका एम है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है, सॉइल का जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना है। एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 है, मेनली यहाँ पे आपका मार्केटिंग और जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो प्रमोशन है उस पर फोकस किया जाता है। फिर ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कहने का मतलब है कि जो फार्मिंग होगा वो नेचुरल तरीके से होगा, और ज़ीरो बजट कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप पैसे खर्च नहीं करने होंगे केमिकल्स वगैरह या फर्टिलाइजर्स वगैरह पेस्टिसाइड्स वगैरह को ख़रीदने के लिए। तो केमिकल्स मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फर्टिलाइजर्स में बहुत ज़्यादा आप देखो कि किसान क्या करते हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा ये फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, फॉस्फेट फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है, और उसके कारण सॉइल की हेल्थ जो है वो बिगड़ सी जाती है। इनफर्टाइल वाली भी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है। ओके ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, इससे तो कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे। हाँ, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हम लोग। इड्डा के द्वारा यहाँ पे ग्रीन ऊर्जा अवार्ड यहाँ पे बैक किया गया है। इट मीन्स कि ये ध्यान रखिए कि ग्रीन ऊर्जा अवार्ड दिया गया है हमारे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हो। और ये जो इड्डा है ना, अच्छा ये इड्डा नहीं है वो IRDA को कहते हैं, ये इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड है। ये मिनी रत्न के कैटेगरी में आता है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके अंदर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत। ये एक पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है जो कि नॉन बैंकिंग NBFC जैसा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो हर एक पॉइंट आपको याद रखनी है यहाँ पे। उसके बाद आते हैं क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव। इंडिया और UK इसको लॉन्च किया है। और अगर हम लोग इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव की बात करें तो एक्चुअली ये ग्लोबल कोएलिशन है पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं। और काम किस लिए कर रहे हैं, तो लो कार्बन इंडस्ट्रियल जो मटेरियल्स है उसके डिमांड को यहाँ पे स्टिमुलेट करने के लिए। ठीक है, फिर आते हैं, अच्छा ये ज्योग्राफी का पार्ट है, तो ज्योग्राफी की आपकी अलग से करंट अफेयर्स की यहाँ पे सीरीज़ आएगी, जो कि मैं लास्ट ईयर से 2020 से अभी जुलाई 2021 तक का कंप्लीट करूँगी। ठीक है, तो इसको मैं उसी में देखती हूँ। तो यहाँ पे कुछ रिपोर्ट है जो कि न्यूज़ में रहते हैं, तो उसे देख लेते। सबसे फर्स्ट है ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। डिमांड उस तरीके से तो नहीं बढ़ रही है जितना सरकार इसके पीछे पड़ी है, और डिमांड हमारे इन्वायरमेंट कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से जो भी यहाँ पे न्यूज़ बनते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी रिपोर्ट के बारे में तीन चीज़ें जाननी है। पहला कि इसे लॉन्च कौन करता है, सेकेंड कि इंडिया का क्या यहाँ पर पर्सपेक्टिव है, क्या पोजिशन है, और थर्ड कि इसके पैरामीटर्स क्या क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि कौन इसको रिलीज़ करता है, तो ये है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इनिशिएटिव है। इन दोनों के द्वारा मिलकर यहाँ पे आपका ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आउटलुक 2021 लाया गया है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल इनिशिएटिव के बारे में समझना है। ये मल्टी गवर्नमेंटल पॉलिसी फोरम है जो कि इस्टेब्लिश किया गया था आज नहीं 2010 में ही, और जो क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल है ना इसी के तहत। तो एक एक पॉइंट यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्चुअली यहाँ पे 15 कंट्रीज़ आप देखोगे कि इसमें पार्टिसिपेट करती है, जिसमें से हम इंडियंस भी हैं। तो जहाँ पे भी इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, तो ऑलरेडी वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग देखो E30@30, तो यहाँ पे आप लोग क्या समझ रहे हो कि एटलीस्ट 30% जो न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको सेल हो जाना चाहिए 2030 तक। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको यहाँ पे प्रमोट करने के लिए इस तरीके का यहाँ पे E30@30, और E20 भी याद रखना है, ये आपका जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग है, 20% पेट्रोल में करना है। कब तक, तो सरकार का अभी यहाँ पे आपका न्यूज़ आया है कि 2025 तक करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू द नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 उसके तहत कहा गया था कि 2030 तक यहाँ पे 20% तक का इथेनॉल ब्लेंडिंग करना है पेट्रोल में, और आपको बताना है कि डीजल में कितने परसेंट का ब्लेंडिंग करनी है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कुछ अदर रिपोर्ट्स भी। वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 जो कि पब्लिश किया जाता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। एक्चुअली जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है ये 1974 में क्रिएट किया गया था, जिससे कि जो कलेक्टिव रिस्पांस है, आप लोग देखो ऑयल की सप्लाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा मेजर डिसरप्शंस हो जाती है, तो उस चीज़ को टैकल किया जाता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा।
इस रिपोर्ट में क्या पता चला है, इस रिपोर्ट में ये पता चला है कि एनुअल ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे बढ़ी है। रिनेबल अगर हम लोग देखें तो ये इन्वेस्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। इट मीन्स कि जो रिनेबल एनर्जी सोर्सेज है, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, वाटर हाइड्रो एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, उसमें ये डिमांड बढ़ चुका है। ग्लोबल इमिशन अगर हम लोग देखें तो ये बढ़ते ही जा रहा है, ऐसा भी कहा गया इस रिपोर्ट के द्वारा। सेल ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट, सबसे पहले ये आप देखो कि पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, तो ये है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड देन इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ये तीन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक सिंगल यहाँ पे रिपोर्ट को पब्लिश कर रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशन हमें लेकर आना है। इट मीन्स कि आप देखो कि नेचर में जो प्रॉब्लम है ना, उसको हम लोग नेचुरल तरीके से अगर उसका सॉल्यूशन सर्च करें तो उसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जैसे लैंड डिग्रेडेशन हो गया, कोई लैंड जो है आपका डेजर्टिफिकेशन हो गया, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन भी नेचुरल तरीके से कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्टेशन प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए, पेड़ लगानी चाहिए, है कि नहीं, सॉइल फर्टिलिटी पे ध्यान देनी चाहिए। तो यही चीज़ कहा गया है कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशन पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। तो ये जो आपका ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट है ऑन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, इसको पब्लिश किया गया है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन से। तो ये देखिए डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन है, यहाँ पे भी डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन है, तो आई होप कि आपको इसकी पब्लिकेशंस जो है वो याद रहेगी। अगर हम लोग यहाँ पे डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन की बात करें, ये जो आपका रिपोर्ट है जिसको हम लोग गैर कहते हैं, तो ये स्पेशल रिपोर्ट है जो कि ड्रॉट के ऊपर लाया गया है, क्योंकि कई जगह आप देखो कि सूखा पड़ रहा है। और साथ ही साथ अगर हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यूनाइटेड नेशन का है ये डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, तो ये यहाँ पे जो सेंडाई फ्रेमवर्क था डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन का, जो कि 2015 से लेकर 2030 तक ये चल रहा है, तो इसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, तो कहा गया है कि इंडिया स्पेसिफिक क्या क्या फाइंडिंग है। तो कहा गया है कि बहुत ज़्यादा सेवियर ड्रॉट जो देखने को मिलता है इंडिया में, उसका इफेक्ट हमारे GDP पे पड़ता है, और GDP पे 2 से 5% तक पड़ता है। डेक्कन रीजन की बात करें तो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है सेवियर ड्रॉट का, सूखा सबसे ज़्यादा पड़ता है, जिसके कारण आप देखो जहाँ पे भी पानी की कमी हो जाती है वहाँ पे ड्रॉट लाइक सिचुएशन अराइज़ होती है, और लोगों को फोर्सफुली माइग्रेट होना पड़ता है। तो वो माइग्रेट करते हैं डेजर्टिफिकेशंस के कारण, वहाँ पे आप देखो कि डेजर्टिफिकेशंस भी हो जाता है। ओवर डिपेंडेंस यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में है, और लैक ऑफ वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, जिसके कारण इस तरीके की सिचुएशंस जो है हमारे इंडियन सिटीज़ में अराइज़ हो चुकी है। सो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा जून मंथ तक का एनवायरमेंट। अब देखेंगे यहाँ पे जुलाई मंथ का। ठीक है, तो